प्राइम मिनिस्टर ने कौन कौन सी तरकीबें लगाई है कि वुमेन्स को अपलिफ्ट किया जाए। अभी देखा जाए, आपके हाल ही में रक्षाबंधन हुआ और रक्षाबंधन के स्पेशल मौके पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ठीक से ही लड़कियों के लिए जो है गैस की सुविधा, यानी कि गैस गैस में जो है उनकी प्राइसेस रिड्यूस की गई। क्यों बार बार कोई मुल्क आके ये दावा करेगा कि कश्मीरी वहां पे सेफ नहीं है, जबकि उनकी मुल्क में खुद हालात खराब है, जबकि उनकी मुल्क में मस्जिदों में बम ब्लास्ट होते हैं, मंदिरों में बम ब्लास्ट होते हैं, चर्च में बम ब्लास्ट होते हैं, हर जगह पे बम ब्लास्ट दिखाई देखने को मिलते हैं, जबकि वहां पे औरतों पे वो लॉस्ट हो पे जाते हैं जो है ही नहीं। अदिति एलवन को भी लीड करने वाली एक मुस्लिम निगार शाह जी, वो भी जो है लीड कर रही थी अदिति एलवन को। तो जाहिर सी बात है, वुमेन एम्पावरमेंट आप देख सकते हो इसरो में, वुमेन्स इस टाइम पे पाकिस्तान में तो अभी मुझे लगता है कि वुमेन्स को उस घर में रखा जा रहा है, वुमेन्स को उस हिसाब से फ्रीडम नहीं है, वुमेन्स को उस हिसाब से वहां पे अगर मैंने ये भी सुना था कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से कि अगर लड़कियां बाहर निकलती है काम करने के लिए तो उनको बोला जाता है कि नहीं अब प्रोपेगेंडे कर रही है। यकीन माने, शायद कुछ ऑडियंस को ये बात मेरी थोड़ी अजीब लगे, लेकिन यकीन माने मुझे कभी कभी हैरत होती है कि यार डेली बेस पे कोई ना कोई अचीवमेंट, डेली बेस पे कोई ना कोई अचीवमेंट। मुझे कभी अक्सर ऐसा लगता है कि शायद मैं कभी इंडिया में होता तो इस चीज को जाके ये तस्दीक करता कि वाकई में इतना कुछ हो रहा है। कश्मीर में जो हालात थे उनको कैसे टैकल किया, कश्मीर में जो खानदानी सियासत कर रहे थे उनको कैसे टैकल किया, कश्मीर में जो प्रोपेगेंडे हो रहे थे, टेररिज्म फैलाया जा रहा था, आप ही की मुल्क की जानिब से, आप ही पाकिस्तान की बदौलत से ही हमारे कश्मीर में जो है प्रोपेगेंडे चलाए जाते थे, टेररिज्म होता था, नार्को टेररिज्म होता था, वेपन एम्पावरमेंट के लिए हमारी कंट्री में क्या कुछ हो रहा है, डिफरेंस आजकल लोग देख रहे हैं। आजकल क्लियरली जो है वर्ल्ड में देखा जा रहा है कि किस तरीके से वुमेन्स को अपलिफ्ट करने के लिए हमारे देश में किस किस तरीके की स्कीम्स है, किस किस तरीके से वुमेन्स को, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कौन कौन सी तरकीबें लगाई है कि वुमेन्स को अपलिफ्ट किया जाए। अभी देखा जाए, आपके हाल ही में रक्षाबंधन हुआ और रक्षाबंधन के स्पेशल मौके पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ठीक से ही लड़कियों के लिए जो है गैस की सुविधा, यानी कि गैस गैस में जो है उनकी प्राइसेस रिड्यूस की गई। तो वो भी एक तरीके के वुमेन एम्पावरमेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि जो बाकी लड़कियां होती है, जो घरेलू लड़कियां होती है या जो औरतें होती है, वो घर पे रहती है और घर पे उनको मयसर क्या होनी चाहिए, घरेलू चीजें वगैरह वो ये सब, तो उन चीजों का दाम उन्होंने कम किया जस्ट बिकॉज कि उनको वुमेन एम्पावर किया जाए, वुमेन्स को अपलिफ्ट किया जाए। और भी बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे कि फीमेल स्टूडेंट है या फिर ऑर्फन स्टूडेंट्स होते हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो उनकी एजुकेशन की सुविधा के लिए भी उन्होंने स्कॉलरशिप्स रखी है जिसकी वजह से वो, या फिर इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ पे जो है हमारी गर्ल खुल के जा सकती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, वो भी तो आपने सुना ही होगा, दैट टू इज फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन्स। तो दूसरी तरफ से अगर हम बात करेंगे अदित्य एलवन की, तो वहां पे भी जो है यूजुअली पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि मुस्लिम्स के साथ जुल्म हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है शायद इसका अपोजिट पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि शायद नहीं इतिहास गवाह है बल्कि दुनिया गवाह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में माइनॉरिटीज मेजोरिटी सब पिस चुके हैं, सबके साथ जुल्म हो रहा है, सबको इस्लाम की फतवाएं दे देकर उन्होंने बस इस्लाम को एक वो बनाया है, सुरक्षा कवच के तौर पर पहना है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि जिस हिसाब से अदिति एलवन को भी लीड करने वाली एक मुस्लिम निगार शारजा जी भी, सॉरी निगार शाह जी, वो भी जो है लीड कर रही थी अदिति एलवन को, तो जाहिर सी बात है वुमेन एम्पावरमेंट आप देख सकते हो इसरो में, वुमेन्स इस टाइम पे पाकिस्तान में तो अभी मुझे लगता है कि वुमेन्स को उस घर में रखा जा रहा है, वुमेन्स को उस हिसाब से फ्रीडम नहीं है, वुमेन्स को उस हिसाब से वहां पे अगर मैंने ये भी सुना था कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से कि अगर लड़कियां बाहर निकलती है काम करने के लिए तो उनको बोला जाता है कि नहीं अब प्रोपेगेंडे कर रही है, मस्जिद में वाज होते हैं, और वही मौलाना जो एक लड़की छोटी बच्ची के साथ रेप या मोलेस्टेशन कर सकते हैं, ऐसे घिनौने काम कर सकते हैं, उन्हीं मौलानाओं को पाकिस्तान के लोग जो है अपना वो रहबर समझते हैं, उन्हीं मौलानाओं को जो है वहां पे जो है उनको उनको अपना टीचर समझा जाता है। तो मैं इतना तभी कहूंगी कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान एंड इंडिया, कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि देखो, मैं यहाँ पे यहाँ
जी, मैं यहाँ पे एक चीज साथ ही साथ क्लियर करना चाहता हूँ कि देखें, अच्छे बुरे लोग दोनों जगह पे होते हैं। अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान में बिल्कुल ही ख्वातीन को आजादी नहीं है, नो डाउट बहुत से इश्यूज हैं, हरासमेंट के केस आए दिन हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन आपके सामने बहुत सी यूट्यूबर्स हैं, बहुत से जर्नलिस्ट हैं जो काम कर रही हैं, और फिर इश्यूज वगैरह देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। लेकिन दूसरी साइड पे अगर देखें, इंडिया की अगर बात करें, मैं ये क्लियरली कहता हूँ कंपैरिजन हमारा नहीं बनता, लेकिन क्या हम सीख भी नहीं सकते? डेफिनेटली हम सीख सकते हैं। जो जो चीजें वहां पे बेहतर हो रही हैं नेबर कंट्री, ना सिर्फ इंडिया में, इवन अफगानिस्तान कह लें, चाइना कह लें, दुनिया का कोई कंट्री कह लें, यूएस में कह लें, कहीं रशिया में कह लें, कहीं पे भी जो बेहतर होगा, मैं तो अपनी सोच ये रखता हूँ कि हमें सीखने की जरूरत है। लेकिन एक चीज बिल्कुल मैं, सहेब, सीखिएगा तभी इंसान, जब इंसान के पास नॉलेज होगी, एजुकेशन होगी, वहां पे आपको आपके इंस्टीट्यूशंस में फेक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। आपकी आवाम कैसे, चलो ठीक है, कुछ यूट्यूबर्स निकले हैं, कुछ यूट्यूबर्स, आप हो या फिर पाकिस्तान से और भी कुछ यूट्यूबर्स हैं जो रिसर्च करते हैं, जो देखते हैं कि अभी कौन सा टॉपिक है, इंडिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या रियलिटी है। लेकिन व्हाट अबाउट द नॉर्मल पीपल, जो वहां की आम आवाम है, वो जो वहां की कॉमन पब्लिक है, आप भी यू नो आप भी बाहर जाते हो, आपको भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। वहां की पब्लिक नहीं मानती है, वहां की पब्लिक तो क्लियरली ये बोलती है हमें गजवाए हिंद करना है, इंडिया हमारा दुश्मन है, भारत हमारा दुश्मन है, वो है ये है। उन लोगों को आप कैसे समझाओगे जिन लोगों को पिछले 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से, 13 साल से, 20 साल से एक ही कीड़ा दिमाग में घुसाया गया है कि नहीं अब हम फेक हिस्ट्री पढ़ाई गई है कारगिल वॉर के नाम पे, मतलब बाकी चीजें, बाकी प्रोपोगेंडो के नाम पे, भारत के नाम पे, या फिर और भी कुछ चीजें हैं जो कि उनको झूठ पढ़ाया गया है, उनको आप कैसे समझाओगे। तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को शायद ही वो फेक हिस्ट्री यू नो छोड़ देनी चाहिए और उनको साइंस पे तवज्जो देना चाहिए, उनको एजुकेशन, रियल एजुकेशन सिस्टम पे तवज्जो देना चाहिए, नॉलेज पे, हाउ टू एनहेंस स्किल्स, अपने यूथ को कैसे जो है अपलिफ्ट करे, यूथ अपलिफ्टमेंट के लिए प्रोग्राम, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ चीजें उठानी चाहिए, कुछ इकदाम उठाने चाहिए, तभी जाके मैंटेल मेंटेलिटी चेंज हो सकती है। एज हमारे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने भी कहा है कि इल्म ही जो है, इल्म ही एक कौम में रेवोल्यूशन ला सकता है, इल्म ही एक कौम में तब्दीली ला सकता है। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि अगर हम पहले ऐसे ही बोलते रहे किसी को, इसके लिए उनको प्रॉपर नॉलेज चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, और उनका माइंड सेटअप उस जिहादी माइंड सेटअप से निकाल के उनका उनको क्लियर नॉलेज देनी चाहिए, तब जाके हम उनको सुधार सकते हैं, तब जाके सीख सकते हैं वो लोग। ठीक है फाइका जी, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए मैं ये समझता हूँ और मैं हमेशा कहता आया हूँ, आपने फेक हिस्ट्री की बात की, इसके अलावा आपने एजुकेशन सिस्टम की बात की, अब इंटरनेट का दौर है, अब ज्यादा टाइम के लिए हम, मैं हूं या आप हो या कोई भी हो, हम झूठ नहीं बोल सकते। सोशल मीडिया पे हर चीज आ जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे जो सच्चाई है वो सामने आ जाती है। अगर हमें बताया गया कि हम 4 जंगे जीत गए, इंडिया 4 जंगे हार गया, या इंडिया को जो भी, मतलब ये जो भी चीजें हैं, वो चीजें अब इंटरनेशनल लेवल पे क्लियर हो चुकी हैं, और हमें ये चाहिए कि अपनी गलती को माने। जहां पे मुझसे गलती हुई है, मैं मानू कि भाई मुझसे ये गलती हुई है, लेकिन नेक्स्ट मैं अपने आप को बेहतर करना चाहता हूं। जब तक हम गलती को नहीं मानेंगे, बेहतरी की तरफ नहीं जा पाएंगे। लेकिन बिल्कुल यहाँ पे मुझे ये बताइएगा, अभी जो खबर ये आई है कि जो अभी पहले तो ये सुनने में आता था कि मुख्तलिफ कंट्रीज के सीईओज हैं जो कि इंडियन हैं, इंडियन ओरिजिन हैं, अब ये सुनने में आता है कि मुख्तलिफ कंट्रीज के जो उनसे प्रेसिडेंट हैं, पहले मुख्तलिफ कंपनीज के सीईओज, अब मुख्तलिफ कंट्रीज के प्रेसिडेंट हैं। पहले ये गिला किया जाता था कि पाकिस्तान के यूट्यूबर, पाकिस्तान के मतलब पॉलिटिशियन हो जाए या पब्लिक हो जाए, इंडिया इंडिया करते हैं, लेकिन अब तो पूरी दुनिया में इंडिया इंडिया हो रहा है, बड़ी तारीफ की जा रही है, चाहे वो टेक्नोलॉजी को लेकर हो, चाहे वो सीईओज को लेकर हो, चाहे वो जो हेड ऑफ स्टेट्स को लेकर हो। जी, बिल्कुल बात तो सही है, लेकिन आपसे भी मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आपको नहीं लगता है कि इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया इंडिया होना चाहिए? डेफिनेटली डेफिनेटली होना चाहिए, मैं तो बिल्कुल इस चीज से 110% एग्री करता हूँ। बल्कि यकीन माने, शायद कुछ ऑडियंस को ये बात मेरी थोड़ी अजीब लगे, लेकिन यकीन माने मुझे कभी कभी हैरत होती है कि यार डेली बेस पे कोई ना कोई अचीवमेंट, डेली बेस पे कोई ना कोई अचीवमेंट। मुझे कभी अक्सर ऐसा लगता है कि शायद मैं कभी इंडिया में होता तो इस चीज को जाके ये तस्दीक करता कि वाकई में इतना कुछ हो रहा है। मतलब
हमारे यहाँ पे मैं एक साल में अगर देखूं तो शायद इंटरनेशनल लेवल पे कोई इस तरह के प्रोजेक्ट पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे इस तरीके से कोई प्रोजेक्ट हमने नहीं किया, जबकि इंडिया में कभी मिशन मून लॉन्च हो रहा है, मिशन सन लॉन्च हो रहा है, कभी वहां पे सिलेंडर की कीमत कम हो रही है, कभी वहां पे रेलवे सिस्टम को इंपावरमेंट के डेवलपमेंट की तरफ लेके जाया जा रहा है, कभी वुमेन को इंपावरमेंट की तरफ लेके जाया जा रहा है, कभी बिल्कुल बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम आ रही है। मतलब मैं हैरान रहता हूँ, और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो मैं अभी आपको बता नहीं सकता, मतलब और डिटेल। पाकिस्तान में से कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी है जो चंद्रयान मिशन को, हाल ही मैं एक चैनल देख रही थी, मैं स्क्रॉल कर रही थी सोशल मीडिया थ्रू, तो मैंने देखा कुछ पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स थे, मतलब लिटरली, मतलब उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा, दैट वाज हिलेरियस। तो उस टाइम पे जो मैंने देखा वहां पे कि नहीं, जो पाकिस्तान के अंदर यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं, जिन्होंने चंद्रयान 3 पे यू नो अपने वीडियोस डाले हैं, वो देशद्रोह है, वो पाकिस्तान के गद्दार है, वो बस हिंद को सपोर्ट करते हैं, चंद्रयान 3 बस एक धोखा है, वो कुछ भी नहीं है, इंडिया का प्रोपेगेंडा है, मैं उसको एक्सपोज करने जा रहा हूँ। वो मतलब सीरियसली इलॉजिकल अनएथिकल बातें थी उसमें, मतलब जिस जिस चीज की वजह से मुझे हंसी आ रही थी कि मतलब ये मैं देख रही थी कि पाकिस्तान का ये एजुकेशन सेटअप है। तो मतलब अपने देश को ऑब्वियसली तरक्की करते हुए देखना, एक तरफ से मून मिशन, दूसरी तरफ से सन मिशन, तीसरी तरफ से गगनयान मिशन या फिर कोई और मिशन स्कीम्स लॉन्च की जा रही है, लोगों को अपलिफ्ट किया जा रहा है, बस हमारे प्रधानमंत्री, मतलब मैं इतना बोलना चाहूंगी कि ऐसे मतलब नेक इंसान और ऐसे नेक ख्यालात के इंसान मैंने मतलब पहली बार शायद ही देखे है। क्योंकि आप देखिए कितना, मतलब 365 डेज एक ईयर में आते हैं, और एक ईयर में उनने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है, काम करते रहे, और प्राइम मिनिस्टर के लिए इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनके ऊपर, इतनी सारी जिम्मेदारियां होती है, फिर उन चीजों को कैसे उन्होंने हैंडल किया, उन चीजों को कैसे उन्होंने टैकल किया, कश्मीर में जो हालात थे उनको कैसे टैकल किया, कश्मीर में जो खानदानी सियासत कर रहे थे उनको कैसे टैकल किया, कश्मीर में जो प्रोपेगेंडे हो रहे थे, टेररिज्म फैलाया जा रहा था आप ही मुल्क की जानब से, आप ही पाकिस्तान की दौलत से ही हमारे कश्मीर में जो है प्रोपेगेंडे चलाए जाते थे, टेररिज्म होता था, नार्को टेररिज्म होता था, वेपन्स एक्सचेंज किए जाते थे, एवरीथिंग वाज डिवेस्टेटेड हियर। लेकिन उस चीज को वापस से सही मिकदार में लाना, डिवेस्टेशन को वापस से ठीक करना, इस कश्मीर को वापस से जन्नत बनाना जिस चीज के लिए मशहूर थी, इट वाज अ क्वाइट डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज यहाँ पे कितने प्राइम मिनिस्टर्स आए और कितने गए। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, अभी मुझे कुछ लोग यहाँ पे फिर से मैं बोलना चाहूंगी, कुछ कुछ लोग बोलेंगे भी कि नहीं बीजेपी एजेंट मत है, वो है ये है, बट यू कैन सी, यू कैन चेक गूगल, जो लोग ऐसा कहते हैं उन लोगों को नॉलेज गेन करनी चाहिए थोड़ी, यू कैन चेक गूगल, वहां पे आपको क्लियरली निकल सकते हैं अचीवमेंट्स क्या है, प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या किया है। तो मैंने भी ये चीजें देखी है, मैंने भी इन चीजों पे रिसर्च किया है, दैट इज व्हाई आई एम ए बिग फैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नॉट ओनली मी बट द होल वर्ल्ड इज अ फैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इवन एलन मस्क, उन्होंने भी कहा है कि आई एम द फैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। तो मैं तो अपने आप को एक छोटी इंसान समझती हूँ, और जिस तरीके से मैंने उनका काम देखा है कश्मीर में मैं भी रही हूँ, भारत में देखा है, इवन चंद्रयान 3 तिरंगा रैली किस तरीके से यहाँ पे निकली, दैट वॉज टोटली मतलब अनएक्सपेक्टेड, मैं शॉक हो गई कि मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल कि कश्मीर जो है, कश्मीर में ऐसे प्रोपेगेंडे होते थे कि लोगों का माइंड बहलाया जाता था, लोगों को बहलाया फुसलाया जाता था। लेकिन आप देख सकते हो जब 15 अगस्त हुआ तब भी जो है किस तरीके से, मतलब 3 4 दिन पहले ही तिरंगा रैली निकली, और हर किसी से जहां पे जो मतलब टेररिज्म प्रोन एरिया माना जाता था वहां से सबसे ज्यादा तिरंगा रैली निकली, लाल चौक में किस तरीके से चंद्रयान 3 की सेलिब्रेशन हुई, वो बहुत देखने लायक मंजर था, वो बहुत ही ज्यादा मतलब खूबसूरत सा मंजर था कि किस तरीके से लोग जान चुके हैं कि इंडिया, वी आर द पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, एंड व्हाई नॉट, जब हम पार्ट ऑफ इंडिया है तो हमें क्यों नहीं सेलिब्रेशन करनी चाहिए, क्यों बार बार कोई मुल्क आके ये दावा करेगा कि कश्मीरी वहां पे सेफ नहीं है, जबकि उनकी मुल्क में खुद हालात खराब है, जबकि उनकी मुल्क में मस्जिदों में बम ब्लास्ट होते हैं, मंदिरों में बम ब्लास्ट होते हैं, चर्च में बम ब्लास्ट होते हैं, हर जगह पे बम ब्लास्ट दिखाई देखने को मिलते हैं, जबकि वहां पे औरतों पे वो लॉस्ट थोपे जाते हैं जो है ही नहीं। इस्लाम के नाम पे, एक रिलीजन के नाम पे एक कंट्री नहीं चल सकती है, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो जिविज्म हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, किसी भी रिलीजन के नाम पे कंट्री नहीं चल सकती है, कंट्री डिवेस्टेड हो जाएगी, कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हर किसी एक कंट्री में
हर किसी रिलीजन के लोग रह सकते हैं, तब जाके एक कंट्री तरक्की कर सकती है, जब एक कंट्री में सेक्युलरिज्म हो, जब एक कंट्री में भाईचारा हो, जब एक कंट्री में ये सिखाया जाए कि कैसे भाईचारे के साथ रहते हैं। मुस्लिम रिलीजन, हमारे रिलीजन में तो ये कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी के रिलीजियस प्लेस पे जाके वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट कराए। दैट इज टोटली रॉन्ग इन आवर रिलीजन। और मतलब इस्लाम तो पीस का ही मैसेज देता आ रहा है ना, कब से इस्लाम पीस का मैसेज। अब जब जिन लोगों ने इस्लाम को गलत तरीके से दुनिया में रिप्रेजेंट किया है, मैं उनको बोलना चाहूंगी, व्हाई यू आर मुस्लिम्स, आप लोगों को कहीं पे जाके आप लोग रिलीजियस कहलाने के लायक ही नहीं हो। आप बस धर्मों को बदनाम करते हो, चाहे फिर वो हिंदुइज्म को बदनाम करे, सिखिज्म को बदनाम करे, जैनिज्म को बदनाम करे, बुद्धिज्म को बदनाम करे। मुझे तो लगता है वो लोग रिलीजियस नहीं है, उन वो लोगों को मैं इंसान सीधा ही नहीं इतना है, कह वो सकती लोग हूँ, इंसान बस ही नहीं है। उनको ना उनका दीन और धर्म जो है वो टेररिज्म है, वो दहशत फैलाना है, वो बस लोगों को फितना उठवाना जानते हैं। तो आई अच्छा कैन से कि जब भी मैं अपनी कंट्री को देखती हूँ एज ए कश्मीरी, मेरा ये ही मकसद है, मैं इसी वजह से काम करती हूँ, इसी वजह से मैंने काम किया है कि एक कश्मीरी की राय बहुत मैटर करती है। दैट इज वाई मैं हमेशा से ही चीजों को मतलब भरपूर तरीके से मैं चाहती हूँ एज ए कश्मीरी मैं वो चीजें एलाबोरेट करूँ, बिकॉज जब यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, ऑल दो वी डोंट केयर अबाउट पाकिस्तानीज, वॉट दे थिंक, वर्ल्ड इज टेकिंग देम लाइटली एंड सो वी आर। तो उस चीज से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरीके से कश्मीरियों का वो नाम लगाया गया था, बदनाम किया गया था, क्या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी बड़े इंटरनेशनल फोरम्स पे, मैं चाहती हूँ ऐसे कश्मीरी यूथ मैं आगे आऊं, मैं लोगों को दिखाऊं कि देखो कश्मीर का हाल। ऐसे ही है। अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, डेफिनेटली पाकिस्तान से भी लोग देखते हैं और उनका ये गिला रहता है कि आप अक्सर जो उनसे है, अब जो आपके गेस्ट आते हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं, आप चुप रहते हो, वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं, आप चुप रहते हो। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, मैं मुनाफकत करके, मैं दोगलापन करके ये कह सकता हूँ, मतलब जो काउंटर ये कर सकता हूँ, देखें जी अच्छे बुरे लोग दोनों साइड पे हैं, देखें जी वहां इंडिया में भी कुछ ना कुछ गलत होता होगा, यहाँ पे भी होता होगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये ऑथेंटिक आंसर नहीं है। मैं ये समझता हूं कि ऑथेंटिक आंसर ये बनता है, अगर किसी के पास ऑथेंटिक आंसर है तो वो आके हमें यहां पे जवाब दे। अब अगर यहां पे ये कहा जाए, पाकिस्तान में रहकर ये कहा जाए कि भाई इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो फिर जड़ावाला में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हुआ वो क्या था, जो सिंध में माइनॉरिटीज के साथ चीजें हमें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, वो क्या है। अगर ये कहा जाए कि कश्मीर में, इंडिया साइड कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं है, तो आप एक दफा पाकिस्तान साइड कश्मीर में जाके देख ले, पाकिस्तानी कश्मीर जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है उन लोगों की ओपिनियन लेके देख ले। ये चीजें रिकॉर्डिंग प्रॉपर इन ऑथेंटिक जो प्रोग्रेस। है ओपिनियन रखती हैं, फिर आपको आइडिया होगा कि भाई सच क्या है, झूठ क्या है। फाइका जी, इसके अलावा मुझे ये बताइएगा, अगर हम कश्मीर की बात करें, क्या समझते हैं आने वाले 5 साल या 10 साल में कश्मीर, इंडिया साइड कश्मीर जहां पे इस टाइम पे आप रह रही हैं, वो किस जगह पे होगा, किस पोजीशन? मैं तो ये सुनने में आ रहा है, मुझे ये देखने में आ रहा है कि आने वाले टाइम में इंडिया की मेन जो से हब होंगे, जो टूरिज्म के हवाले से होंगे, उनमें से एक हब कश्मीर होगा। इवन मिस वर्ल्ड का कंपटीशन भी वहां पे होने जा रहा है इस साल। कुछ ऐसी रह चुकी है कि कश्मीर में बहुत ज्यादा डिवेस्टेशन हो चुकी थी, कश्मीर में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती थी, बहुत ही ज्यादा हालात खराब हुआ करते थे, इवन हम लोग स्कूल नहीं जा पाते थे, एजुकेशन सिस्टम ठप था। मतलब 2014 से पहले की अगर हम बात करें, क्योंकि ऐसे दरिंदे कुछ आ गए थे जो देशद्रोह थे, जिन लोगों को अपनी सियासत चमकानी थी, जो राजनीति चमकाने के लिए बस कश्मीरियों को बेड़ा गर्क कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से 2014 से गवर्नमेंट बदली, हुकूमत बदली, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आए, आई एम अगेन थैंकफुल टू हिम कि कश्मीर के हालात सुधारने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो जाहिर सी बात है हमने यहाँ पे डेवलपमेंट देखी, और डेवलपमेंट वॉज रैपिड, वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस थी। जिस तरीके से हमने देखी कि इमार की आपने वो बात छेड़ी कि इमार का भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जहां पे वर्ल्ड का जो है कंपटीशन होने जा रहा है, मिस वर्ल्ड का कंपटीशन। हाँ एग्जैक्टली, बहुत सारी चीजें होने वाली है। टूरिज्म पे काम हुआ, डेवलपमेंट पे काम हुआ, एजुकेशन सेक्टर्स पे काम हुआ, हेल्थ सेक्टर पे काम हुआ, मतलब जिन जिन सेक्टर्स को अपलिफ्ट करने की जरूरत थी कश्मीर में, जो बाकी स्टेट्स में थी, सिर्फ कश्मीर में नहीं थी, बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370, देन आफ्टर आर्टिकल एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, मेनी थिंग्स हैपन हियर। लाइक आप देख सकते हो G20 मीटिंग भी टूरिज्म पे ही हुई, G20 मीटिंग का मकसद भी था, वो भी टूरिज्म पे ही हुआ। जिस
तरीके से मुझे लगता है कश्मीर में टूरिज्म को बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिला, क्योंकि 70 से 80% इकोनॉमी कश्मीर की सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पर डिपेंड है। अब सवाल रहा कश्मीर के बच्चों का। कश्मीर के बच्चे जो है, कहा जाता है कश्मीर के बच्चों में बहुत ही ज्यादा टैलेंट भरा है। दे आर वेरी टैलेंटेड, दे आर वेरी इंटेलिजेंट इन एवरी फील्ड, वेदर स्पोर्ट्स की बात करें, साइंस की बात करें, किसी भी फील्ड की बात करें, तो एवरीवन वांट्स टू स्टडी। तो यहाँ पे क्या होता था कि जब हड़ताल हुआ करता था, कर्फ्यू हुआ करता था, लॉकडाउन हुआ करता था या शटडाउन हुआ करता था, कश्मीरी बच्चा स्कूल नहीं जा पाता था, कश्मीरी बच्चा एजुकेशन हासिल नहीं कर पाता था। तो आज कश्मीरी बच्चों के लिए ऐसे एजुकेशन सेक्टर्स कायम किए गए हैं, आज कश्मीरी बच्चा खुल के अपनी तालीम हासिल कर रहा है। आप देख सकते हो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यूपीएससी जो है, ये एक इट्स द मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स। एंड कहा जाता है कि बहुत सारे आज कश्मीर से 2 साल से बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बहुत ज्यादा लोग जो है यूपीएससी में जा रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं। तो इट इज बिकॉज कि कश्मीरी बच्चों में वो जहानत है, वो टैलेंट है, वो इंटेलिजेंस है, दैट इज वाई दे आर यू नो ग्रूमिंग इन एवरी फील्ड। तो मैं इतना बोलना चाहूंगी कि कश्मीरी बच्चे अब जो है अपने फील्ड्स पे इसलिए ध्यान दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उनको वो फैसिलिटीज भी मुहैया है, और जो जो चीजें अभी अभी हो रही है, डेवलप हो रही है, वो भी बेनिफिट साबित होगी, बेनिफिशियल साबित होगी, क्योंकि टूरिज्म या फिर कोई और बिजनेस बिजनेस रिलेटेड चीजें, यही चीजें अभी अभी मतलब यही, दिस इज नॉट द एंड। अभी बहुत सारी चीजें जैसे साइंस लैब्स बनेंगी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे रिसर्च लैब्स बनेंगी, जैसे यहाँ पे मतलब और चीजें साइंस से रिलेटेड या डेवलपमेंट फिर में उनकी काम की स्टडीज से जाते हैं। रिलेटेड या फिर रिसर्च सेंटर्स या फिर उनके एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी चीजें होंगी, वो यहाँ पे जब बनेंगी तो कश्मीर एक हब बनेगा। और कश्मीर जब हब बनेगा तो कश्मीर के बच्चे साइंस फील्ड में साइंटिस्ट बनेंगे, जैसे कि इसरो की एग्जाम्पल आप देख लो। अगर इसरो की फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यू नो इसरो एक ये कर रहा है, इंडिया में अभी एक मिशन चल रहा है कि इसरो की लैब्स, जो भी छोटी छोटी लैब्स है, वो हर स्टेट में सेंटर भी बनाई आ रहा है जाएंगी। इस तरीके से, बिल्कुल एग्जैक्टली, मुख्यमंत्री। हर स्टेट में बनाई जाएंगी। तो जैसे कश्मीर में बनाई जाएगी तो कश्मीर से देयर विल बी लॉट ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम कश्मीर टू, जो कि कश्मीर को लीड करेंगे, जो कि कश्मीर और भारत का नाम मिलके ही रोशन करेंगे। जैसे कि भारत ने कभी भी मैं अपनी बात करूं, प्राइम मिनिस्टर ने कभी भी जो है डिफ्रेंशिएट नहीं किया है बिटवीन कश्मीरीज एंड अदर पीपल। नाउ जो लोग कहते हैं कि 370 जो है हटाया गया, क्यों, मैं आपको बोलना चाहूंगी, इफ यू आर द पार्ट ऑफ इंडिया देन व्हाई यू वांट अ स्पेशल स्टेटस। ऐसे ही है। अच्छा, अब वो लोग जिन्हें मतलब जो हमारा टॉपिक था वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से हमारा टॉपिक था, और वो लोग जो ये जानना चाहते थे कि पाकिस्तान में किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट है, इंडिया में किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट है, कश्मीर, इंडियन साइड कश्मीर की जो हमारे साथ एक महिला थी, हमारे साथ